जनपद में पहले दिन का बोर्ड परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि बोर्ड परीक्षा के पहले दिन सभी मजिस्ट्रेट स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने भ्रमणशील रहकर परीक्षा को सकुशल संपन्न करवा रहे हैं और सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक व पुलिस बल तैनात किया गया है और परीक्षा शुरू होने के बाद जिला स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के माध्यम से पूरे जिले के परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि लगातार केंद्र व्यवस्थापक के साथ बात की जा रही है, लेकिन कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आई है और परीक्षा केंद्र पर कक्ष निरीक्षक भी अपने अपने कक्ष के बच्चों की निगरानी कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी छात्र इधर उधर ताकाझाकी ना कर सके और पूरे परीक्षा में इस तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी और उड़नदस्ता भी लगातार सभी परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर जायजा ले रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, इसमें सर हमारे पास स्पेशल पेपर कराना है सर, वो तो काफ़ी जल्दी सुबह से काम से जाओ, ये परसों तक का पेपर जा चुकी है, छोड़ ही दीजिए अभी बोर्ड परीक्षा के लिए। आज प्रथम पाली में सभी मजिस्ट्रेट्स द्वारा लगातार भ्रमण किया, स्टार्टिंग मजिस्ट्रेट वहाँ तैनात थे, पुलिस व्यवस्था वहाँ उपलब्ध थी और समय से परीक्षा शुरू हुई, कंट्रोल रूम से लगातार उसकी मॉनिटरिंग चल रही है, केंद्र व्यवस्थापकों से लगातार संपर्क में है, कोई समस्या संज्ञान में नहीं आई है और कक्ष निरीक्षकों की निगरानी भी की जा रही है और सुचारू व्यवस्था के साथ बोर्ड परीक्षा सम्पन्न कराई जा रही है और पूरे अवधि में लगातार इस तरह की निगरानी और अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। उड़न दस्ते टीम भी हमारे क्रियाशील है।